46 के दिखा रहा है। ठीक है, क्लास भी नहीं होनी। हेलो, हाय, स्टार्ट करें यार। हैं, बहुत देर कर दिया आज वैसे ही हमने, और इसमें आप लोगों की गलती भी नहीं है, गलती सारी मेरी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग सर्कल्स। दिख रहा है? पक्का? ग्रेट, सर्कल लेक्चर वन है। ठीक है, कुछ समझ में आएगा? ऑफ कोर्स, लेक्चर वन भी ना समझ में आए तो एग्जैक्टली। ठीक है, लाओ किताब दे दो फटाफट। सर्कल क्या होता है बेटा? व्हाट इज सर्कल? व्हाट इज सर्कल? जब एक लाइन एक ही एंड पे आके दोबारा मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कल। अब ये कितनी वीक डेफिनेशन है। व्हाट इज सर्कल? व्हिच हैज नो साइड इज सर्कल। आई हैव सो मेनी रामानुजन्स इन माय क्लास। व्हाट इज सर्कल? सम ऑफ ऑल पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। अगर हम यहां पर एक फिक्स पॉइंट ले लें, इससे जितने भी पॉइंट्स आपके एक ही सेम डिस्टेंस पर होंगे उनका अगर आप कलेक्शन बनाओगे तो वो क्या बनाएगा आपका सर्कल। इज दिस लुकिंग लाइक अ सर्कल? गुड, बैड? इज इट विजिबल? ठीक है, तो इट इज विजिबल। ठीक है, तो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज सेंटर। सर्कल के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता है कि क्या होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है दैट वी ऑलरेडी नो। वी नो दैट वी हैव अ सर्कल एंड वी ऑल्सो हैव अ सेंटर। सेंटर क्या होता है? दैट फिक्स पॉइंट जहां से हम पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, इसके बाद है बच्चे कॉर्ड। क्या होता है कॉर्ड? A line that intersects circle at two points. जो आपके सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जैसे ये क्या है आपका? एक कॉर्ड ए एंड बी। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल? कैन यू नेम अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी द डायमीटर। उस क्योंकि आप पहले नीचे से ऊपर जाओगे, बढ़ता जाएगा लेंथ, डायमीटर के बाद फिर कम होता जाएगा लेंथ। So you can have a longest cord in your circle which will be equal to the diameter of the circle. Center हो गया, circle हो गया। Is this clear? Cord clear हो गया। अब बच्चे starting की कुछ theorems ऐसी हैं, ठीक है, which are too easy to understand. ठीक है, it is actually very easy. ठीक है, and we can do it. The first theorem says that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. So I think it is 10th chapter, right? Or 9th? 9th hai? Okay. Number change ho gaya na chapters ke. So 9.1 theorem says that, kya bolta hai bachche? Equal chords subtend equal angle at the center. Equal एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल ही एंगल सबटेंड करते हैं। बहुत ही ऑसम थ्योरम है, बहुत ही प्यारी थ्योरम है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फिगर दिस आउट। जब भी बच्चे थ्योरम प्रूफ करने के लिए कही जाती है तो एक बात याद रखना कि डायग्राम आपको खुद बनाना होता है, गिवन एंड टू शो आपको खुद लिखना होता है, कोई आपको लिखकर देगा नहीं, कोई आपको लिख के नहीं देगा। आपको गिवन टू शो सब कुछ खुद से लिखना होता है। और क्या लिखना इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। ठीक है, सो लेट्स से वी आर हैविंग टू सर्कल्स स्कॉर्ड्स। वन इज ए बी, अदर कॉर्ड इज सी डी। ठीक है, and since they have to subtend angle at the center, so definitely we need to join them at the
center. So we are joining them at a center. Given or to show हमें लिखना पड़ेगा. Of course, yes, we need to write what is given and what is to show. How are we going to write it? Given क्या है? ओहो, ना बच्चे ना. ठीक है, हमारे को given क्या है बच्चे? हमें given है a circle with center. हो a circle with center O. समझ में आ? In which there are two chords which are equal to each other. That is chord AB is equal to chord C. ठीक है, to show में क्या है बच्चे? To show में आपका आ जाता है angle AOB is equals to angle COD. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान. थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, नाउ प्रूफ. और हमेशा याद रखना, फिगर बनेगी गिवन टू शो, लिखा जाएगा. ठीक है, एंड देन यू विल राइट प्रूफ. ओके, इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी. बहुत आसान है. AO is equals to CO. AO is equals to CO. Why? Radii of the same circle. Right? Fair. BO is equals to DO. Same reason, bache. कॉपी पेस्ट कर लोगे? लिख दो कॉपी पेस्ट, ऊपर से उतार के नीचे कर लेना, ऐसे डंडे मार के बताना पेपर में. ठीक है, फिर आपका आ गया, ये हो गया आपका थर्ड. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. इज दिस गिवन? ऑफ कोर्स यस. कैन आई से दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी? ऑफ कोर्स यस. ठीक है, बाय SSSS criteria. So can I say that angle AOB is equals to angle COD? जी बिल्कुल, जी हाँ. CP, CT, ठीक है. Hence proved. क्या बात है? Theorem 10.1, 9.1 done. अभी नोट करना है या कर लोगे? आगे करा दूं? आगे करा दूं? ठीक है, ये आप कर सकते हैं एंड आई होप आप कर भी पाओगे. तो मैं अभी आगे करा दूं. इज इट सो टफ? नो. तो लेट अस मेक सम चेंजेस एंड डू इट. क्या बच्चे? एओ के साथ डीओ होना चाहिए बच्चे. एओ के साथ आप डीओ को ले सकते हो. ठीक है, लेकिन मैंने देखो आप एओ को ले लो, बीओ को ले लो, सीओ को ले लो, डीओ को ले लो, सब सेम है, सब सेम ही है. लेकिन मैंने ट्रायंगल में नाम क्या लिख रखा है? एओबी और सीओडी लिखा है ना. तो एओ के कॉरेस्पॉन्डिंग डीओ है या सीओ है, इसीलिए सीओ लिया है. ठीक है, और हमेशा याद रखना कशिका कि आपके जो ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, उनके रेडियस हमेशा सेम होते हैं, इसीलिए आप रेडिया ऑफ द सेम सर्कल लिख सकते हो. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपकी थ्योरम, ठीक है, 9.2 विच इज वेरी मच सिमिलर टू 9.1. मैं इधर ये लिखना भूल गई ना. ठीक है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑन सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. बहुत सिमिलर है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ किया, क्या क्या वो किया था? यस, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? अ सर्कल विद सेंटर हो तो गिवन ही गिवन है. हमें एंगल इक्वल दे रखा है और क्या दिखे दे रखा है? AOB किसके इक्वल है? COD के. बस टू शो में क्या करना है कि AB किसके इक्वल है? CD के. बहुत इजीली हो जाएगा. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? कैन आई राइट AO इज इक्वल टू CO? रेडियस ऑफ
ऑफ सेम सर्कल बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर इधर आ गया आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, कैसे ये आ जाएगा आपका गिवन। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, किस क्राइटेरिया से, एस ए एस से। बस फिर करना क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, तो आप क्या कह सकते हो, हिंस दो क्वेश्चंस आपके हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब इसे लिख लो, इसको लिख लो प्लीज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब क्या है इस बात का। लेट्स से यू हैव अ सर्कल, आई नो आई ड्रॉ द बेस्ट सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद आता है देर इज अ सेंटर एंड देर इज अ कॉर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड, तो सेंटर से क्या करें हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हमें ये बताना है कि ये ओ है, ये एम है, ये ए एंड बी है, ठीक है। तो ओ एम बाइसेक्स ए बी, तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चे, गिवन में हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर ओ, राइट। और क्या गिवन है हमें, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी टू शो, तो शो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नहीं 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 ठीक है, कंस्ट्रक्शन करें इसमें, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आता है बच्चे आपका क्या आ गया, आ ड्रॉ ए टू जॉइन पॉइंट ए टू ओ एंड O to B, right? इन्हें join कर ले, construction कर दे, so that we can make two triangles. Now what are we going to do? We will prove that. Okay, proof में क्या करें जी, in triangle AMO, in triangle AMO and triangle BM AMO and BMO, BMO, BMW मत कर देना, ठीक है। तो AMO and BMO, क्या मैं बोल सकती हूँ AO is equals to BO, perfectly fine by radii of same circle, perfect। फिर क्या हम कह सकते हैं, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ कहे राइट एंगल, कह रहा राइट राइट एंगल, राइट एंगल, काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्या बात है, मुबारक हो, क्वेश्चन हो गया। ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO RHS, कितने समझदार बच्चे, RHS से हो गया। बस फिर है क्या, बस AM is equals to AM is equals to BM by CPCT, that makes our life seriously easy, right? So it's also that. Then we'll do one more question and the class will get over. And tomorrow we'll have a test. Yes. Hello, a line drawn from center of the circle to the chord. ठीक है,
टू बाइसेक्ट द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. इसमें बच्चे गिवन क्या है, 9.4 थ्योरम है. इसमें गिवन क्या है, डेफिनेटली अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर ओ विद सेंटर ओ राइट टू शो. और क्या है कि इन्होंने बोला था कि बाइसेक्ट तो वो कर रहा है, मतलब एएम किसके इक्वल है, एम बी है. तो टू शो में क्या है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर हो गया. राइट, लेट अस डू दैट. कंस्ट्रक्शन में बच्चे वही कर दो, जॉइन पॉइंट एओ टू बीओ, ठीक है. देन अच्छा सॉरी एओ एंड बीओ पॉइंट ए टू ओ एंड बी टू ओ राइट. फिर हम करेंगे क्या भाई, सेम चीज करनी है इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ. यू नो दैट ए एम इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन, इज ऑलरेडी गिवन राइट. ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन सेंस, आई नो. ओके देन कैन आई ऑल्सो राइट एओ is equals to BO, of course, yes, radii of the अब कौन है गाने गा रही हूँ, ठीक है. फिर आ गया ट्रायंगल AMO is congruent to triangle BMO by which criteria? SSS. अबे नहीं भैया, तीनों तो साइड ही हैं. अगर ये तीनों साइड हैं तो कैसे लग जाएगा एस ए एस भाई, बुद्धि लगाओ बुद्धि है. अरे लगा तो सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है. कैसे लगा पाओगे, क्योंकि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, बट वी डोंट नीड दैट, ठीक है. इट इज डायरेक्टली ऐसे ऐसे कर सकते हो, बट इधर करने की जरूरत नहीं है. तो एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाय सी पी सी टी. कैन आई ऑल्सो राइट ऑल्सो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर एल पी, ठीक है. एंड ट्वाइस ऑफ ए एम ओ 180 डिग्री, तो एंगल ए एम ओ कितना आ गया 90 डिग्री. एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है. आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है. इसके अलावा हमें क्या करना है, कल टेस्ट लेना है, फिर कल आगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है. ओके बाय बाय.